शीघ्रपतन अर्थात प्री मैच इजैकुलेशन का इलाज करना है करके बहुत लोग मेरे पास में आते हैं। बहुत सारे लोगों को शीघ्रपतन और उसके साथ साथ लैंगिक कठोरता नहीं आना, ऐसे दो प्रॉब्लम होते हैं और वो दो प्रॉब्लम्स का इलाज वो मांगते रहते हैं। जब ये लोग हमारे पास में आते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाई ये इसका कारण क्या है, क्या इसका शारीरिक कारण है कि मानसिक कारण है। जब आप शारीरिक कारण बोलते हैं मतलब भाई शारीरिक कारण मतलब बदन का प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, हाइपरटेंशन है, फिर कोई तंबाकू या सिगरेट की लत है, शराब की लत है, या फिर कोई बॉडीली इलनेस है, एंटी डिप्रेसेंट्स दवा ले रहे हैं या कोई साइकोलॉजी की दवा ले रहे हैं, मतलब ऐसे काफी सारे रह सकते हैं प्रॉब्लम्स। मोटापा है, ओबेसिटी, ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कारण है कि भाई ओबेसिटी है, मोटापा है और जिसकी वजह से होता है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है वो सेक्स हार्मोन्स की कमी है, या फिर थायराइड हार्मोन जो है मिक्सीडिमा है और उसकी कमी है। तो ऐसे काफी सारे फिजिकल कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मैच इजैकुलेशन ऐसा कॉम्बिनेशन में हो सकता है। मानसिक कारण कौन से है? मानसिक कारण ये है भाई चिंता, स्ट्रेस है, तनाव है, फिर डर है कि मैं कर नहीं सकूंगा ऐसा डर है, फिर कोई आ जाएगा कोई देख लेगा ऐसा डर है, या कोई पिछले बार करते करते पकड़ गए, या फिर अभी उम्र बढ़ गई है, ज्यादा उम्र है, या फिर उसको ऐसा डर है कि भाई मैं नहीं कर सकूंगा तो सामने वाली पार्टनर क्या बोलेंगी, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है पेनिस की जिसके वजह से जल्दी इलाज मतलब जल्दी उसका इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो देखना पड़ता है कि भाई एग्जैक्टली कारण क्या है और वो कारण का इलाज करना पड़ता है। अब कारण एक बार मालूम हो गया तो फिर वो कारण का पहले इलाज करो कि भाई उसका रीजन क्या है, उसका पहले इलाज करो और बाद में उसके साथ साथ फिर साइकोलॉजिकल इलाज करो। ये जो दवाई है सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, वर्दनाफिल, एवेनाफिल मतलब वायग्रा, सियालिस, ऐसी जो दवाई है, तो ये दवाइयाँ लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, ब्लड फ्लो जो है वो लिंग में बढ़ जाता है जिसके वजह से लैंगिक कठोरता आती है। उसके साथ साथ जब हम उसको बेंजोडाइजेपिन्स या SSRI मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, फिर थायराइडिन जैसी दवाई, डाइजीपाम, ये दवाई जब हम उनको देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी बहुत बार काम में आती है, तो वो दवाई जब हम देते हैं तो वो दवाइयाँ काम में आती है और उससे फिर इजैकुलेशन डिले हो जाता है। मतलब जिसको दोनों प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है जल्दी होना और इरेक्शन का प्रॉब्लम है, उनको दोनों प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हम इधर ब्लड फ्लो बढ़ाने की दवा देंगे और इधर इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए दवा देंगे। फिर लोकल एनेस्थेटिक्स है, जैलोकेन, लाइडोकेन टाइप, वो लोकल एनेस्थेटिक है, स्प्रे है, फिर मलम है, ऑयल्स है, फिर स्प्रेज है। लोकल स्प्रे मारते हैं तो क्या होता है, पेनिस नम हो जाता है, उसमें सेंसेशन नहीं रहता और फिर वो आराम से फिर इजैकुलेट होगा, या फिर एनेस्थेटाइज कंडोम्स है। इसके साथ साथ हम लोगों को फिर कीगल्स एक्सरसाइज पढ़ाते हैं और स्क्विज टेक्निक पढ़ाते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक पढ़ाते हैं। तो ये सब सिखाने के बाद में लोग अपना जो इजैकुलेशन है वो देरी से कर सकते हैं। वैसे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन जो है वो किया तो उससे फायदा होता है, और बहुत ही ज़्यादा यदि मतलब ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है तो पहले मास्टरबेशन कर लो और बाद में सेक्स करो, जिससे काफ़ी समय तक वो टिक सकता है। तो ये सारे सब प्रॉब्लम्स यदि हम देखते हैं और उसका इलाज करते हैं तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खुशी से जा सकता है, वो जी सकता है। थैंक यू वेरी मच।